प्रभुचे आसवा ना कळे ना मूल माझ्या प्रभुचे तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला आसवा ना कळेना मूल माझ्या प्रभुचे आसवा ना कळेना मूल माझ्या प्रभुचे तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला तृषात त्याची वाणी ऐकिली न कोणी तृषात त्याची वाणी पाहिली न कोणी अघोर वेद नाही माझ्यासाठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला आसवा ना कळेना मूल माझ्या प्रभुचे आसवा ना कळेना प्रभुचे तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्यासाठी सुळी गेला आसवाना कळेना प्रभुचे आसवाना कळेना मूल माझ्या प्रभुचे दग दग त्याना तो दग दग त्याना एक टाच तो रुसाशितांगलेला निष्पाप को केरा तो रुसाशितांगले माझ्यासाठी सुळी
लागला माझ्या साठी सुळी गेला आसवाना करेना मोल माझ्या प्रभुचे आसवाना करेना मोल माझ्या प्रभुचे माझ्या साठी सुळी गेला तो दमला तो थकला माझ्या साठी सुळी गेला सिस्टर रीता आपने सुंदर रीति से प्रभु के वचन को बताया। आखिरी वाणी जो प्रभु ने कहा, हे पिता तूने क्षमा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रकार हमने सातों वाणियों के बारे में हमने प्रभु के वचन के द्वारा सुना, और मैं सोचता हूँ कि हम हर बार इन वचनों को हम पढ़ते हैं, हर बार हम इन वचनों को सुनते हैं, और यीशु मसीह की जो सात वाणियों का जो ट्रेडिशन जो सालों से चलता आ रहा है उसको हम फॉलो करते हैं, उसको हम सुनते हैं। लेकिन अभी समय वो है कि हम केवल सुनने का नहीं है, लेकिन आज समय ऐसा है हमें उसको क्या करना है, दूसरों को बताना है। जैसे ब्रदर ऑल्विन ने अपने पांचवी वाणी में मैं प्यासा हूँ उसमें उन्होंने बताया कि खुदा जो प्यासा है, ठीक है, यीशु मसीह छः घंटे तक मेरे ख्याल से क्रूस की वेदना को सह रहे थे कड़ी धूप में। अभी जिस प्रकार हम यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में जैसा धूप है ना, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चंद्रपुर और नागपुर ये सबसे ज़्यादा गर्म कहा जाता है, लेकिन अगर हम उस गल्फ कंट्री में अगर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, गर्मी होती है। यीशु मसीह जहाँ पे पैलेस्टाइन में है ना, इसराइल में, जहाँ पे यरूशलेम में जिस समय यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई, वहाँ पर 6 घंटा उन्होंने इतना दर्द के साथ, इतना वेदना के साथ थे, और इतना पीड़ा में रहने के समय, इतना दर्द में रहने के समय यीशु मसीह को शारीरिक प्यास होना साधारण बात थी, क्योंकि 6 घंटे से लेकर लगातार वो क्या कर रहे वहाँ पे सूली पे लटके हैं, दर्द को सह रहे हैं, है ना, मेंटली भी वो मेंटली भी वो दुखित है या वेदना से भरे हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं। अगर स्पिरिचुअली देखा जाए, आत्मिक तौर से देखा जाए, शारीरिक तौर से देखा जाए, मानसिक तौर से देखा जाए, हर तरफ से यीशु मसीह वहाँ पर वेदना में थे, और इसलिए उन्होंने उस समय ये बोला कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन खुदा के वचन में वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने मैं प्यासा हूँ इसलिए बोला क्योंकि खुदा के वचन को पूरा होने के लिए, है ना, कि वहाँ पे लिखा है यूहन्ना 19:28 में। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, आप वहाँ पे पूरा वचन पढ़ने के समय वहाँ पे लिखा है कि वचन को फुलफिल करने के लिए यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या बोला, मैं प्यासा हूँ, ठीक है ना, मैं प्यासा हूँ। अगर शारीरिक रीति से देखा जाए तो उस यीशु मसीह को प्यास लगना वो स्वाभाविक था, लेकिन यीशु मसीह आज भी हम सब के लिए प्यासा है। यीशु मसीह आज भी उन लोगों के लिए प्यासा है जो अभी भी यीशु मसीह के बलिदान देने के बावजूद भी, यीशु मसीह के खून को बहाने के बावजूद भी, यीशु मसीह ने मृत्यु को सहने के बावजूद भी उस मृत्यु को या उस बलिदान को समझने के लिए आज भी कई लोग तैयार नहीं है, या उस बलिदान से कई लोग वंचित है,
उस मृत्यु के बारे में, उस मृत्यु की सच्चाई को जो जानना है, या उस मृत्यु की सच्चाई आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, लेकिन खुदा मेरे और आपके द्वारा आज चाहता है कि हम उस बलिदान के कार्य को हम क्या करें, हम पूरा करें। यीशु मसीह ने पूरा किया, यीशु मसीह ने जो पिता ने जो काम सौंप दिया था उस पिता के काम को यीशु मसीह ने पूरा किया। यीशु मसीह ने वो काम पूरा किया जो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में जितने सारी भविष्यवाणियां प्रभु के वचन में लिखी हुई थी, उन सारे भविष्यवाणियों को पूरा यीशु मसीह ने किया। इवन यीशु मसीह को जो क्रूस के ऊपर जो वेदना को सहना था, दर्द को सहना था, जो पीड़ा को सहना था, उस सारी बातों को भी यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा कर लिया। यीशु मसीह ने पूरा कर लिया। ये पूरा हुआ के बारे में, और मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने जिस प्रकार अपने टास्क को पूरा किया, परमेश्वर पिता ने दिया हुआ जो टास्क था, प्रभु ने दिया हुआ जो काम था, यीशु मसीह ने पूरा किया। लेकिन आज मेरा और आपका काम है, जो यीशु मसीह ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, खुदा ने हमको जो जिम्मेदारी दी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, मेरे और आपके द्वारा और भी लोग क्या हो जाए, आशीषित हो जाए, मेरे और आपके द्वारा और भी लोग प्रभु में आ जाए, मेरे और आपके द्वारा और भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाने, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जाने, और वे भी खुदा के राज्य से वंचित ना हो, बल्कि वे भी खुदा ने उनके लिए जो सुंदर राज्य तैयार करके रखा है उसके बारे में मैं और आप जाकर लोगों के बीच में जाकर क्या करें, प्रचार करें, अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के गवाहियों के द्वारा, अपने जीवन के हर एक बातों के द्वारा। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उन लोगों के मध्य में जाकर हम क्या करें, परमेश्वर के नाम के सुसमाचार को फैलाए और परमेश्वर के कार्य को हम फैलाए। यही प्रभु परमेश्वर हमसे चाहता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते। यीशु मसीह ने जो सिखाया, यीशु मसीह ने जो शिक्षा अपने लोगों को दी, और यीशु मसीह ने जो लोगों से कहा कि तुम इस प्रकार करना है करके परमेश्वर ने वचन दिया, उपदेश दिया, प्रचार किया, वो प्रचार वो उपदेश उन्होंने क्रूस के ऊपर रहने के समय उन्होंने उस बात को पूरा करके दिखाया। यीशु मसीह किसको क्षमा करने के बारे में बोलते हैं, उन लोगों को क्षमा करने के बारे में बोलते हैं जिन्होंने उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा, जिन्होंने उनको सताने के लिए, जिन्होंने उनको परेशान करने के लिए या उनका अपमान करने के लिए सब कुछ जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने षड्यंत्र किया, और जो जो उस बात में शामिल थे उन सबके लिए प्रभु बोलते हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। और उसमें हम भी शामिल हैं। जैसे पत्रस कहता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 36 वचन में पत्रस इस प्रकार कहता है, प्रेरितों के काम, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग सुबह से लेकर बैठे हैं, लेकिन कुछ ही पल मैं आपसे लूँगा, वो वचन को पढ़कर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। पढ़िए 2:36। हाँ, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, किसने क्रूस पर चढ़ाया, वहां पर बोला है इज़राइल के घराने ने, है ना, वहां पे इज़राइल के घराने ने, वहां पे लिखा है इन लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया। वहां पर पत्रस कहता है कि तुम ही लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया। और दूसरा वचन आप पढ़िए 3:15 उसी प्रेरितों के काम उसका 3:15 में। प्रेज द लॉर्ड। तुमने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया, तुमने बोलने से यहूदी लोगों से पत्रस वहां पर कहता है कि तुम लोगों ने तो यीशु मसीह को क्या किया, मार डाला। लेकिन जब पौलुस जब रोमियों की पत्री में आता है तो पौलुस कहता है कि 3:23 में इस प्रकार कहता है, पढ़िए 3:23 रोमियों की पत्री 3:23, बिना बोले भी बोल सकते हैं अगर याद है तो। हाँ, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, सब यानी कौन, उसमें हम भी शामिल हैं।
पहले पत्रस कहता है कि इसराइली लोग है ना, जो जिन इसराइली लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिन लोगों को उद्धार का कारण ठहराना चाहता था, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया, यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र किया। पहली बात हम देखते हैं इसराइल का घराना, दूसरी बात हम देखते हैं वहां पर जो रोमी लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा मारा, उनके साथ जो सताया गया, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, वो लोग उसमें शामिल हैं। और तीसरी बात यहाँ पर पौलुस कहता है, हम सब ने क्या किया, पाप किया। हम सब के पाप ने यीशु मसीह को वहाँ पर क्या किया है, क्रूस पर चढ़ाया है। और हम सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया, आज मेरा और आपका काम है एक दूसरे को हम क्या करें, क्षमा करें, एक दूसरे को हम क्या करें, माफ़ करें। गलती होती है, हम सभी गलती करते हैं, हम सब गलत काम करते हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है गलती करने के बाद उस गलती में बने नहीं रहना, उस गलती में नहीं रहना। हमको लगता है मैंने गलत किया है, अपनी गलती को कबूल करें। प्रेज द लॉर्ड, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते। यही बात हम स्तेफनोस के जीवन में हम देखते हैं कि स्तेफनोस ने वही काम किया, जब लोग उसको मार रहे थे, जब लोग उसको सता रहे थे यीशु मसीह के नाम में, जब लोग उसको पथराव कर रहे थे, उस समय उसने बोला कि प्रभु ये पाप इन लोगों के ऊपर क्या नहीं करना, आप नहीं गिनना। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह आज वो चाहते हैं जैसे स्तीफन ने अपनी जिंदगी में उस खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में उतारा, वैसे परमेश्वर मुझे और आपसे भी चाहता है, हम भी हमारे जीवन में जैसे पिता ने क्षमा किया, जैसे प्रभु ने क्षमा किया, जैसे स्तीफनोस ने उन लोगों को क्षमा किया, आज मैं और आप लोगों को क्या करें, क्षमा करें। हम पर दोष लगाने वालों के लिए, हमारी निंदा करने वाले, हमें सताने वाले या हमारे बारे में गलत बोलने वाले, उन लोगों को मैं और आप क्षमा करना जरूरी है, तभी ये क्रूस का वचन क्या होगा, पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, खुदा के वचन में हमने ये देखा कि जो क्रूस पर का जो चोर था उसको प्रभु ने बोला कि तू आज ही मेरे साथ क्या क्या कहा रहेगा, मेरे साथ सुख लोक में रहेगा करके हम प्रभु के वचन में हम देखते हैं। तो वो है उद्धार। उद्धार, उद्धार क्यों वो दूसरे चोर को आया, क्योंकि दूसरे चोर ने यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या किया, अंगीकार किया। हम आज मेरा और आपका उद्धार कैसे होता है, मेरा और आपका उद्धार होने के लिए क्या है, क्राइटेरिया क्या है जी, क्या अंगीकार करना, क्या अंगीकार करना, मैं पापी हूं करके, या मैं पापी हूं अंगीकार करना है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर क्या विश्वास करना है जी, अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपने मन से विश्वास करना है, अपने मन से क्या विश्वास करना है। रोमियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए रोमियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन में, करे विश्वास करे, या तू क्या करे, अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करना है, क्या अंगीकार करना है, नहीं नहीं आप पढ़िए उस वचन को, पढ़िए हाँ हाँ, या मन से विश्वास करना है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया, जिलाया, और मुंह से क्या करके अंगीकार करना है, प्रभु के रूप में, है ना। यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि उसको मुर्दों में से परमेश्वर ने उसको जिलाया, तब आपका क्या होगा, उद्धार होगा करके लिखा है। और यही बात यहां पर चोर ने किया, उसने क्या अंगीकार किया, वो दूसरे चोर से कहता है मैंने और आपने क्या किया है, पाप किया है, हमने पाप किया, इसलिए हम पाप की सजा हम भुगत रहे। लेकिन ये व्यक्ति निष्पाप है, ये निर्दोष है, इन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सजा भोग रहे हैं। तो उसने क्या जान लिया, उस चोर ने जान लिया कि ये कौन है, ये प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, उसने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह प्रभु है, और उन्होंने बोला कि जब आप राजाधिकार के साथ आएंगे प्रभु, आप मुझे क्या करना, स्मरण करना। प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब उसको विश्वास है कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह को क्या करने वाले हैं, जिलाने वाले हैं। हालेलुया। और केवल इस अंगीकार के कारण प्रभु ने बोला कि तुम्हारा उद्धार हुआ है और तुम कहाँ होंगे, मेरे साथ सुखलोक में होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए हम सबको बता दिया गया है कि उद्धार का द्वार सबके लिए क्या हो गया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया है, खोल दिया है। उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए एक ही बात करना है, उस यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करना है और यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया करके अपने मन से विश्वास करना है। आज मैंने और आपने तो अंगीकार किया है, मैंने और आपने तो उस प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, लेकिन मेरा और आपका काम ये है कि जिन्होंने अंगीकार नहीं किया उनके लिए हम क्या करें, हम उनके पास जाए और हम उनको भी हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास हम लाए। और तीसरी बात, हम खुदा के वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह ने बोला, देख ये तेरी माता और ये तेरा पुत्र है। इवन जैसे माधवी ने भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पे परमेश्वर के वचन में यही है कि इवन इतना पीड़ा में वेदना में रहने के बावजूद भी यीशु मसीह अपने माँ के बारे में क्या है, उनको ख्याल है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार है ना लोग, हम ही खुद परेशानी में हैं, हम ही आज हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमको भी हमारा क्या है, प्राइवेसी है ना, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, है ना, मेरा परिवार है, मुझे भी है ना ये सब कुछ करना है और ये सब के कारण मैं अपने माँ बाप को क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। मैं अपने माँ बाप को है ना, मेरे माता पिता को जो संभालने का जिम्मेदारी है, उनको जो कुछ करने का जिम्मेदारी है, वो मैं नहीं कर सकता, ये बोलकर हम टाल नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलकर हम टाल नहीं सकते। यीशु मसीह इवन क्रूस पर रहने के बावजूद भी अपनी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को यीशु मसीह ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में सौंपना चाहते हैं। कौन से व्यक्ति के बारे में? क्या यीशु मसीह को और भाई बहन नहीं थे? जी थे, यीशु मसीह के और भाई थे, यीशु मसीह के और यहूदा, जोस यहूदा और जेम्स, है ना, ये तीनों भाई के नाम हम बाइबल में हम देखते हैं। यीशु मसीह के और भी भाई बहन थे, क्या उनके ऊपर यीशु मसीह अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते थे? उनके ऊपर यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकते थे? लेकिन यीशु मसीह ने क्यों वहां पर क्रूस पर रहने वाले योहन्ना के हाथ में यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी को सौंपा? आपको मालूम है, विश्वास में नहीं थे उस समय तक, विश्वास में नहीं थे वो लोग। विश्वास में नहीं होने के कारण यीशु मसीह को मालूम है कि ये विश्वास में नहीं है, ये लोग अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को नहीं समझते। लेकिन यहाँ पर एक बंदा है जिसने मेरे प्रेम को जाना है, यहाँ पर एक बंदा है जिसको मैंने मेरी शिक्षा को दिया है, मेरे उपदेशों को सिखाया है, मेरे वचन को सिखाया है, इन्होंने मेरे जिंदगी के बारे में सब कुछ जाना है, सब कुछ देखा है, मेरे प्रेम को देखा है, और ये व्यक्ति क्या नहीं करेगा, ये व्यक्ति क्या नहीं करेगा? प्रेज द लॉर्ड। कौन प्रभु अपने मां बाप को नहीं छोड़ेगा, जिसके अंदर वास्तव में खुदा का प्रेम है? प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर खुदा का वचन है ना, वास्तव में यदि वो प्रार्थना करने वाला है, वचन को पढ़ने वाला है, वचन के अनुसार चलने वाला है और वचन में जीने वाला है और परमेश्वर के प्रेम में रहने वाला है, वो व्यक्ति अपने मां बाप का अनादर कदापि नहीं कर सकता। Praise the Lord। क्यों यीशु मसीह यूहन्ना के हाथ में ही दे रहे हैं? अगर हम बोलते हैं हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम बोलते हैं हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने हमारे प्रभु को जाना है, प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, हम अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपने माँ बाप का अनादर कैसे कर सकते हैं? हम कैसे उनकी सुधि नहीं ले सकते हैं? Praise the Lord। प्रभु यहां पर इवन वेदना में रहने के समय भी यीशु मसीह बोलते हैं ये तेरा पुत्र, और प्रभु को मालूम है वो चेला उनकी माँ की जिम्मेदारी को क्या करेगा, समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु आज हमारी ओर देखेगा तो प्रभु को भी हमारे बारे में भी यही भरोसा होना चाहिए, यस ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और ये अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को क्या करेंगे, संभालेंगे, माँ बाप की जिम्मेदारी को क्या करेंगे, उठाएंगे, अपने माँ बाप का क्या करेंगे, आदर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने माँ बाप की जिम्मेदारी को उठाना, अपने माँ बाप का अनादर नहीं करना, जैसा उनसे प्रेम करना चाहिए वैसा मैं और आपको क्या करना है, करना है। प्रेज द लॉर्ड। केवल बोलना नहीं है लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी बातें दिखना चाहिए। और चौथी बात, ब्रदर रॉबिन ने सुंदर रीति से बताया, उन्होंने बोला कि सारे जगत के पाप जब यीशु मसीह के ऊपर दिखने लगे तब पिता ने बोला कि
यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, छोड़ दिया है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, दाऊद जिस प्रकार कहता है भजन संहिता उसका 37 उसका 25 आयत में ऐसे लिखा है कि धर्मी जन को परमेश्वर कभी भी त्यागेगा नहीं, धर्मी जन को परमेश्वर कभी भी त्याग नहीं सकता करके दाऊद भजन संहिता 37 का 25 में कहता है। लेकिन यीशु मसीह तो धर्मी जन है तो परमेश्वर ने उसे कैसे छोड़ दिया। खुदा कभी कदापि धर्मी को छोड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी पिता की दृष्टि में, उस परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह धर्मी नहीं है, वो पापी है। मेरा और आपका पाप उस खुदा के ऊपर दिखने के कारण यीशु मसीह कैसा है, पापी है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को छोड़ दिया करके लिखा है। और भी वचन में इससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं तो वो अपने चेलों से कहते हैं कि मेरा पिता कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, है ना। यूहन्ना रचित समाचार उसका 8 अध्याय उसका 29 आयत में वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अभी इस परमेश्वर ने यीशु मसीह को अकेला छोड़ने का अनुभव यीशु मसीह वहां पर देखते हैं। केवल एक ही, मेरे और आपके पाप जब यीशु मसीह के ऊपर थे तब खुदा ने यीशु मसीह को क्या किया, छोड़ दिया। और जैसे कुछ पल के लिए छोड़ दिया, बाद में यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया, अपना लिया करके हम प्रभु के वचन में देखते हैं। और इस प्रकार मैं प्यासा हूं करके हमने देखा, पूरा हुआ के बारे में हमने देखा। सातवीं बात जो है, यीशु मसीह ने जो बोला, मेरी आत्मा को मैं आपके हाथों में मैं क्या करता हूं, सौंपता हूं अपने जीवन में, है ना। परमेश्वर क्यों यीशु मसीह अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, आप पढ़िए यूहन्ना रचित समाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18 आयत पढ़िए। हाँ, या मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यहां पर क्या बोलते हैं, और एक बार पढ़िए उस वचन को, रखता है। हाँ, या मैं अपना प्राण अपने पिता के हाथ में देता हूं कि फिर मैं उसे क्या करूं, मैं ले लूं, है ना। यीशु मसीह को उनका प्राण फिर से वापस इसलिए मिला क्योंकि वो अपने प्राण को देने के लिए वो क्या हो गए, तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में इसलिए वो सौंप रहे, वो बाद में उसको क्या करने वाले, फिर से लेने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी जो हमारे शरीर में है ना, हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट हम किसको देना चाहिए, हमारी आत्मा को, है ना। हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, प्रभु के पास जाएगी। और इसी आत्मा का एक दिन क्या होगा, न्याय होगा। उसके बाद आत्मा कहाँ जाएगी जी, स्वर्ग में ही जाएगी। हाँ जी, नहीं समझ, हमारे कार्यों के हिसाब से या कैटेगरी के अनुसार, ओके। हाँ, ना स्वर्ग और नरक, या हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, वो परमेश्वर तय करेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि हम नरक में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। अगर यीशु मसीह के समान यदि हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करके, प्रभु ने जो काम हमें दिया है उस काम को पूरा करके यदि हम अपना जीवन बिताएंगे और हमारी आत्मा को यदि हम खुदा के हाथ में सौंप देंगे तो मैं और आप कहाँ मिलेंगे, स्वर्ग में मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी से यही चाहता है। जैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में जो टास्क उनको दिया गया था, जो काम उनको दिया गया था, वो पूरा करके उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर पिता के, देखिए यीशु मसीह का जीवन जब पृथ्वी पर था तब भी उन्होंने अपने जीवन को कहाँ, किसके हाथ में सौंपा, खुदा के हाथ में सौंपा। जब 12 साल का रहने के समय जब वो मंदिर में थे तो उस समय वो क्या बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में रहना मुझे अवश्य है क्योंकि मेरे पिता ने जो काम मुझे सौंप दिया है उसको मुझे क्या करना है, पूरा करना है। इसका मतलब इवन 12 साल के रहने के समय में भी यीशु मसीह ने अपना जीवन खुदा के हाथ में सौंप दिया था। और अभी अंत में 33.5 साल के होने के समय जब उनका मृत्यु का समय आता है तब भी वो अपने जीवन को कहाँ सौंप रहे हैं, खुदा के हाथ में सौंप रहे हैं। यस, जब से हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है उस समय से लेकर हमारे जीवन के अंतिम सांस तक
हमें खुदा के काम को पूरा करना है और अंत में हमारी आत्मा को उस प्रभु के हाथ में क्या करना है, सौंपना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही प्रभु परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी से उम्मीद करता है, हालेलुया। और ये बात यदि हम हमारे जीवन में पूरा करते हैं तो ये गुड फ्राइडे मनाना हमारे लिए क्या होगा, एक आशीष का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हेलो, आइए अपनी मनोज्ञ तैयारी करें। जो हम पवित्र कलाम को सुनने जा रहे हैं वो पुनरुत्थान का जो वचन जो हमारे लिए एक आशा को लेकर के आता है, एक उम्मीद को लेकर के आता है कि इस जीवन के बाद भी एक ऐसा आनंद काल का जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देना चाहता है। तो आइए अपने मनों की तैयारी करें, अपनी आंखों को बंद कर लें, क्लोज आवर आइज, कम इनटू हिज होली प्रेजेंस और उससे कहें, प्रभु तू आज मुझसे क्या बातें करना चाहता है, तू मुझसे बोल, मुझसे बातें कर, तेरी भेड़े तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है, तू आज की सुबह मुझसे बोल। आइए परशतार हम तेरे हैं, परशतार हम तेरे हैं, हर जगह करते हैं ऐलान, रूहे पाक हम बुलाते हैं तुझे अपने दरमियान, मिलके गाएंगे कम ऑन, रूहे पाक हम बुलाते हैं तुझे अपने दरमियान, रूहे पाक हम बुलाते हैं तुझे अपने तार हम तेरे हैं, परशतार हम तेरे हैं, हर जगह करते हैं ऐलान, रूहे पाक हम बुलाते तुझे अपने दरमियान, रूहे पाक हम बुलाते तुझे अपने दरमियान। ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वेलकम योर होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आप हमारे मध्य में आइए, खुदा हमारे मध्य में आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मैंने पाए, खुदा हालेलुया, हम इकरार करते हैं, पाकरुत खुदा है हम इकरार करते हैं, तेरी बारगाहों में तेरा इंतजार करते हैं, तेरी बारगाहों में तेरा इंतजार करते हैं, तू ही सिताइश के लायक है, तुझे अपने दरमियान, रूहे पाक हम बुलाते हैं तुझे अपने दरमियान।
सुनासरी तू दहना हाथ बढ़ा दे, अम्बे सुनासरी तू दहना हाथ बढ़ा दे, अपने रूह की अग्नि से कमजोरियां जला दे, अपनी रूह की अग्नि से कमजोरियां जला दे, तू ही हमारा पालनहार, तू ही हमारा पालनहार, हम ये अपने धर्मिया ये रूहे पाक हम बुलाते हैं, तुझे अपने धर्मिया परशदार हम तेरे हैं, परशदार हम तेरे हैं, हर जगह अपने दरमियान बुलाते हैं, तुझे अपने दरमियान बुलाते हैं, तुझे अपने दरमियान बुलाते हैं, control of everything, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Father, take control of everything, Lord. Holy Spirit, we love you. We praise your holy name, Lord. Hallelujah. Dhanyavaad, Parmeshwar. Dhanyavaad, Khudaavan. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. Jesus, we love you. Jesus, we love you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, अब हमारे मध्य में हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर एक बार हम अपने आप को आपके अधीन में हम देते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप हमारे मध्य में हैं, आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, और जो वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर, जो वचन सुनेंगे खुदा, वचन हम सबके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने खुदावन, वो वचन हमारे जीवन में एक नई आशा को उत्पन्न करे, वो वचन हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करे, वो वचन आज हमारे हृदय को छूने पाए और प्रभु जी हमारी जिंदगी के लिए एक आशीष का कारण बने खुदा, सुनने वाले कानों को, समझने वाले मनों को और बोलने वाले मेरी जीव को खुदा मैं आपके पवित्र हाथों में देते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय खुदा के वचन की ओर हम जाएंगे, मत्ती रचित समाचार उसका 28 अध्याय उसका 1 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित समाचार उसका 28 अध्याय उसका 1 से लेके 10 तक।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर सुने जाने पर हम सबको आशीष दें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा के आज के इस विशेष दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का जो संडे है इस दुनिया के इतिहास में एक महान संडे के रूप में मनाया जाता है, द ग्रेटेस्ट संडे इन हिस्ट्री। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया के इतिहास में आज का दिन एक बहुत बड़ा संडे के रूप में, महान संडे के रूप में माना जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी जो पुनरुत्थान की कहानी है हम हर साल हम सुनते हैं, प्रभु के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर हम प्रभु के संदेश को हम सुनते हैं। और हर बार हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, खुदा एक नए प्रकाशन के द्वारा या नई बातों के द्वारा इस पुनरुत्थान के संदेश को देकर परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल के दिन तक हमने देखा, कल का दिन ऐसा था बिल्कुल शांत, बिल्कुल एक निराशा का दिन था। आज से 2021 साल पहले कल का जो सैटरडे का दिन, जो सप्त, जो यहूदियों के इसके अनुसार या बाइबल के अनुसार पुराने नियम के अनुसार सप्त जो है वो जो सैटरडे कहलाता है, सप्त के दिन तक किसी के जीवन में कोई भी आशा नहीं थी। इवन चेलों ने भी अपनी आशा को खो दिया था। इसलिए बोले एक बंद कमरे में बैठकर वो लोग क्या कर रहे थे, डरते हुए कांपते हुए बैठे हुए थे, किसी को कोई आशा नहीं थी। लेकिन खुदा के वचन में हम ये पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, जो अभी हमने 28 अध्याय पढ़ा, उसका एक से लेके आगे पढ़ने के समय एक स्त्री जो मरियम मगदलिनी जो कहलाती है, जिसके अंदर से परमेश्वर ने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, और उसके अंदर से 7 दुष्टात्माओं को निकालने के बाद खुदा ने उसको पूर्ण रीति से छुटकारा दिया था। तब से लेकर उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर वो खुदा के पीछे चलने लगे। और हम खुदा के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह के सारे चेले भी इवन डरकर एक कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन एक ये स्त्री जो है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, भोर को उठकर वो कहां गई, कब्र तक चले गई करके हम खुदा के वचन में हम देखते हैं। प्रियो, इस मरियम मगदली ने प्रभु के पास जाने के समय, परमेश्वर के कब्र के पास जाने के समय, उसने ये उम्मीद नहीं रखा था कि वहां जाने के बाद उसको एक खुली कब्र मिलेगी। जब वो खुदा के पास जाने से पहले, कब्र के पास जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन में ये पढ़ते हैं कि वो खुदा के कब्र के पास इसलिए गई थी ताकि वो सुगंधित द्रव्य को लेकर गई थी, ताकि उस शव के ऊपर वो क्या कर सके, उस सुगंधित द्रव्य को लगा सके। वो तो एक मुर्दा परमेश्वर है ना, जिस डेड बॉडी को, एक यीशु मसीह के डेड बॉडी को देखने के लिए वो गई थी करके खुदा के वचन में लिखा है। लेकिन इवन वो जाने से पहले उसके मन में ये संदेह था, क्या संदेह था, कि अगर मैं यीशु मसीह के शव को देखने के लिए भी जाऊंगी तो भी मैं अंदर कब्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रोमी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा पत्थर उस कब्र के ऊपर क्या किया गया है, रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर हम देखते हैं कि उस स्त्री को मालूम था यदि वो कब्र के पास जाने से भी वो यीशु मसीह के शरीर को वो देख नहीं सकती, शव को देख नहीं सकती, और एक बहुत बड़ा पत्थर उस कब्र के ऊपर रखा गया है, और मैं वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं है, ये सोच के क्या वो अपने घर में बैठी, जी नहीं बैठी। उसको मालूम था वो एक स्त्री है, और वो इतनी, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इवन कब्र के पास जाने के समय भी उस पत्थर को वो क्या करे, वो लुढ़का सके। लेकिन फिर भी खुदा के वचन में लिखा है वो वहां पर गई। बेशक कोई बात नहीं, यीशु मसीह के शव को क्यों ना होने दो, यीशु मसीह के डेड बॉडी को क्यों ना होने दो, लेकिन कम से कम वो देखने के लिए गई। प्रियो, खुदा के वचन में हम यहां वहां पर ये पढ़ते हैं, बेशक कब्र के पत्थर को हटाना उसके हाथ में नहीं है, कब्र के पत्थर को हटाना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन कब्र तक वो जा सकती है, वो कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम जो कर सकते हैं वो हम करें, और हम जो नहीं कर सकते वो खुदा हमारे लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो नहीं कर सकते हैं वो हम करें, हम जो कर सकते हैं वो हम करें, और जो हम नहीं कर सकते वो खुदा हमारे लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इवन हम प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह जिंदा रहने के समय यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया करके हम खुदा के वचन में हम पढ़ते हैं। और यीशु मसीह जब लाजर मरने के चार दिन बाद, है ना, चौथे दिन में यीशु मसीह वहां पर आए करके हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं। और चौथे दिन आकर यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, लाजर को बाहर। लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर रखा गया था, है ना, एक बहुत बड़ा पत्थर वहां पर रखा गया था। उसको हटाने के लिए यीशु मसीह ने किसको कहा, उसको हटाने के लिए किसको बोला? क्या यीशु मसीह वहां पर अगर एक हाथ अगर ऐसा करते तो वो पत्थर क्या हो जाता, हट जाता ना। जो खुदा पानी के ऊपर चल सकता है, जो खुदा अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, आंधी और तूफान को रोक सकता है, क्या वो खुदा एक पत्थर को हटा नहीं सकता? लेकिन परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं लाजर को जिंदा करने के समय यीशु मसीह ने वहां पर पत्थर नहीं हटाया, क्योंकि वहां पर पत्थर किसने रखा था, पत्थर किसने रखा था, लोगों ने रखा था, वहां के लोगों ने। और यीशु मसीह ने वहां के लोगों को बोला तुम पत्थर हटाओ। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह ने लोगों को बोला पत्थर हटाओ। यीशु मसीह ने लोगों को यह नहीं बोला अंदर जो मरा हुआ लाजर है उसको बुलाओ, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में जानते हैं हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये प्रभु हमारे बारे में बेहतर जानता है। और वो जानकर ही हमसे वो काम एक्सपेक्ट करता है जो हम कर सकते हैं। खुदा हमारे जीवन में ऐसी बातों को कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है जो मैं और आप नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हम जो कर सकते हैं उसके बारे में भी हम प्रभु के पास जाकर हम बोल देते हैं कि खुदा ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि तुम पत्थर हटाओ, और पत्थर हटाने के बाद यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया, हे लाजर बाहर आ। कौन सा काम आसान है, मरे हुए लाजर को बुलाना, बाहर बुलाना आसान है, या उस पत्थर को लुढ़काना आसान है? प्रेज द लॉर्ड। वहां पे बहुत सारे लोग थे, वो सारे लोग मिलकर उस पत्थर को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला वो जो कर सकते हैं वो उन्होंने किया, और वो जो नहीं कर सकते खुदा ने उनके लिए किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर भी पुनरुत्थान के दिवस पर भी जो मरियम है, जो कमजोर है, जो अबला है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कब्र के पत्थर को हटाए, लेकिन वो ये कर सकती है उस कब्र तक वो जा सकती है। उसका विश्वास ये है कम से कम उस प्रभु के डेड बॉडी को मैं देखने जाऊंगी, प्रभु के डेड बॉडी को देखकर उसको सुगंध द्रव्य लगाऊंगी, और उसके अंदर ये आस थी, और वो आस के कारण वो कब्र के पत्थर के पास गई, और उसने वहां पे जाके क्या देखा, हाँ जी, पत्थर हटा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्थर हटा हुआ है, जब वो विश्वास के साथ प्रभु के पास जा रही है, उसके लिए जो असंभव काम था, उसके लिए जो इंपॉसिबल काम था, जो वो उस पत्थर को हटा नहीं सकती थी, खुदा ने ऑलरेडी उसके लिए पत्थर को क्या कर दिया था, हटा दिया था। हालेलुया। विश्वास के साथ यदि हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी होंगी, तकलीफ होंगी, और हमारे जीवन में ऐसा लगता होगा कि अभी मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं है, ये काम मेरे जीवन में हो नहीं सकता, कोई बात नहीं, वो ना हो सकने वाला काम को लेकर आप खुदा के पास आए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, आप परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर आपको दिखाएगा, आप आने से पहले से ही खुदा ने, आपने जो सोचा है वो काम खुदा ने आपके लिए क्या किया है, तैयार करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम मगदलीनी, मरियम अपने जिंदगी में कभी उस सोच नहीं सकती थी, ऐसा अद्भुत काम उसने वहां पे जाके देखा कि वो ये सोच रही थी कि यदि मैं भोर के समय अंधेरे में यदि मैं उस कब्र में जाऊंगी तो भी
वहां पर जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पत्थर वहां पर रखा गया है। और इवन रोमी सरकार ने यह भी किया है, वहां पे दो पहरेदारों को रखा है और वो पहरेदार इवन उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन मरियम जब वहां पर गई, उसने देखा कोई सिपाही वहां पे नहीं है, और इवन जो पत्थर के बारे में वो सोच रही थी वो पत्थर भी क्या हो गया है, लुढ़क गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिस वॉज गॉड्स मिरेकल, ये परमेश्वर का अद्भुत काम था जो मरियम ने अपनी आंखों से देखा। जो पत्थर उसकी जिंदगी में रुकावट था, जो पत्थर उसके जीवन में बाधा थी, उस पत्थर को परमेश्वर ने ऑलरेडी उसके लिए क्या कर दिया था, हटा दिया था। आज हमारे जीवन में कौन सा पत्थर है? उस प्रभु को देखने के लिए, उस प्रभु के पास आने के लिए, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उस परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उस प्रभु की आराधना करने के लिए मेरे और आपके जीवन में कौन सा पत्थर है? किस पत्थर के बारे में हम सोच कर बैठे हैं? आप विश्वास के साथ आए, खुदा आपके लिए ऑलरेडी उस पत्थर को हटाने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी जिंदगी के हर एक पत्थरों को जो हम सोचते हैं कि ये मेरे जीवन में होना असंभव है, ये मेरे जीवन में होना मुश्किल है, ये मेरे जीवन में होना कठिन है, कोई बात नहीं। आप सोच रहे हैं, आप जस्ट खुदा के पास आए, आप उसी संदेह को लेकर या उसी बात को लेकर, उस रुकावट के बारे में सोचकर भी आप खुदा के पास आए, आप परमेश्वर के पास आने के बाद देखेंगे कि खुदा ने ऑलरेडी आपके जीवन से वो पत्थरों को क्या किया है, हटाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पहली बात, उन्होंने अपने जीवन में खुदा की मिराकल को देखा। जो टोम, जो कबर, जो कबर के ऊपर जो पत्थर उनके लिए जो रुकावट था, उस रुकावट को परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या किया, हटा दिया। उसके बाद हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं, 5 से लेकर 7 आयत तक पढ़िए, मत्ती सुसमाचार उसका 28 का 5 से 7 तक। या हाँ, मत डरो था। जाता है 7 वचन तक। थैंक यू सिस्टर। यहां पे प्रभु के वचन में हमने देखा, पहली बात वो जब मरियम गई उसने मिराकल को देखा, और दूसरी बात खुदा के वचन में हम देखते हैं कि वहां पर जाने के बाद उसको ये संदेश मिला। क्या संदेश मिला? कि तुम जिस प्रभु को तुम ढूंढते हो वो अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है, जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यहां पर दूत लोग आकर स्त्रियों से कहते हैं, लेकिन यही बात जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो यूहन्ना के वचन में वो जब कब्र पर आई और कब्र पर आने के बाद जब उसने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा तो उसने क्या किया, वो रोने लगी वहां पे। प्रभु के वचन में लिखा है खाली कब्र को देखकर वो रोने लगी, ये सोच के रोने लगी किसी ने पत्थर को हटाकर मेरे प्रभु के शरीर को क्या किए हैं, चुरा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो वहां के एक व्यक्ति से पूछती है, वो एक व्यक्ति वहां पे जो खड़े थे उनको, उन्होंने सोचा कि ये माली है, और उस क्या आप इस यहाँ पे इसके माली है करके, माली के रूप में सोचकर वो बोलती है कि मेरे प्रभु को शरीर को कहाँ रखा है, है ना। उसके बाद जब मरियम मुड़ती है तब यीशु मसीह उसको पुकारते हैं, हे मरियम करके, और जैसे ही हे मरियम करके पुकारने के समय वो पीछे मुड़ के क्या बोलती है, हे रब्बूनी, यानी उस गुरु की आवाज को वो क्या करती है, पहचानती। वो कहती है रब्बूनी। जब यीशु मसीह की आवाज को उसने सुना, इससे पहले वो सोच रही थी कि वो एक माली है, लेकिन जैसे उनकी पुकार को जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया है मरियम करके, तो उसने समझ लिया कि ऐसा तो बुलाना केवल कौन बुलाते हैं मुझे, केवल प्रभु यीशु मसीह। तुरंत उसने आवाज को पहचान लिया और वो पीछे मुड़ के देखी, और तब उसने यीशु मसीह को वहां पे जिंदा देखा करके प्रभु के वचन में लिखा है। और जब उसने देखा, उसने देखने के बाद उसको क्या बोला गया कि तुम जाकर चेलों को बताओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अना जिस खुदा को तुमने देखा है उस खुदा के बारे में तुम जाके क्या करो, बताओ। सेकंड क्या है, मैसेज।
फर्स्ट हमने देखा उसने मिरेकल को देखा, और दूसरी बात अभी मरियम के जीवन में एक संदेश मिला, वो संदेश उसको अपने तक सीमित नहीं रखना है। जिस यीशु मसीह को जिंदा होते हुए उसने देखा है उसको जाके अभी किसको बताना है? जो बंद दरवाजे में डर के बैठे हुए, भयभीत होके बैठे हुए, आशा को खोते हुए बैठे हैं, उन लोगों को जाके उसको क्या करना है? उसको बताना है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिस स्त्री को शैतान ने इस दुनिया में पाप को लाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए जिसको इस्तेमाल किया, उसी स्त्री को परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह उस मृत्यु के डंक को उसने क्या किया है? उस मृत्यु के डंक को मार दिया है, नाश किया है। और जय ने क्या किया है? जय ने उस मृत्यु को निगल लिया है। उस संदेश को स्त्री के द्वारा प्रभु कहता है कि तुम जाके बताओ, तुम्हें अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, अभी निराश होकर रहने की आवश्यकता नहीं है, आशाहीन होकर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस खुदा ने मृत्यु के ऊपर क्या किया है? जय को प्राप्त किया है, उस कब्र के बंधन को तोड़ दिया है, और उस मृत्यु की और अधोलो की खूंजियां जो दुष्ट के हाथ में थी उसको छीन कर उन्होंने लाया है, और फिर से उस मनुष्य के हाथ में उस अधिकार को देने के लिए वो प्रभु क्या हुआ है? जिंदा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संदेश केवल तुम अपने तक सीमित नहीं रखना, अपने परिवार तक सीमित नहीं रखना, अपने लोगों तक सीमित नहीं रखना, लेकिन उस तमाम लोगों के पास जाना जो अभी भी भय की अवस्था में हैं, जो अभी भी निराशा की अवस्था में हैं, जो अभी भी आशाहीन होकर बैठे हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाकर तुमको ये संदेश को क्या करना है? देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केवल अपने कलीसिया में नहीं, केवल अपने चार दीवारियों के बीच में नहीं, लेकिन इस चार दीवारी के बाहर से निकलकर उस खुदा के संदेश को मुझे और आपको लेकर जाना है। केवल मरियम को प्रभु ने नहीं बोला, लेकिन मरियम के द्वारा प्रभु ने चेलों को बोला, और चेलों के द्वारा आखिर में प्रभु बोलते हैं तुम सारी सृष्टि में जाकर तुम क्या करो? इस संदेश को तुम लोगों को दे दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो संदेश मरियम को मिला कि तुम खुदा को, जिंदा खुदा को तुमने देखा है, जीवित परमेश्वर को तुमने आंखों से देखा है, उन चेलों को जाकर तुम बताओ। हालेलुया, और उसने जाके क्या किया? बताया। प्रेज द लॉर्ड, मरियम ने जाके क्या किया? बताया। लेकिन चेलों ने विश्वास किया जी? चेलों ने विश्वास किया? नहीं विश्वास किया, क्योंकि खुदा के वचन में हम देखते हैं अगर यहूदियों के अनुसार अगर देखा जाए तो यहूदियों के इसमें स्त्री को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, स्त्री को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, है ना। इसलिए हम ज्यादा करके मेल डोमिनेटेड करके ही हम बाइबल में ज्यादा हम उसी बात को हम देखते हैं, पुरुषों को महत्व दिया गया, है ना। कई बार हम गिनती में भी देखते हैं केवल पुरुषों को गिना जाता था, स्त्रियों को वहां पर गिना नहीं जाता था, ऐसी बात को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने स्त्री के द्वारा उस समाचार को फैलाकर, है ना, सबसे पहले स्त्री को प्रभु मसीह ने दर्शन को देकर और स्त्री के द्वारा उस समाचार फैलाकर उस सारे बैरियर को परमेश्वर ने क्या किया? मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हवा के द्वारा परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन इस दुनिया में आया था, उसी हवा को परमेश्वर ने किसके लिए इस्तेमाल किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। हालेलुया, मरियम ने जो संदेश को खुदा के द्वारा पाया, मरियम ने जो जी उठा यीशु को देखा, उसने जाकर वो विश्वास करे या ना करे, वो माने या ना माने, लेकिन उसका काम था उनको जाके क्या करना? बताना। क्या बताना? कि मैंने जिंदा खुदा को देखा है। हालेलुया, मैंने उस जीवित परमेश्वर को मैंने क्या किया है? देखा है। चेलों ने विश्वास किया नहीं विश्वास किया वो उसका काम नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में उसने जो अनुभव किया, उसने जो खुदा को देखा, उसने जाके उनको बताया। प्रेज द लॉर्ड, आज मैंने और आपने हमारी जीवन में यीशु मसीह की जो सामर्थ्य को अनुभव किया है, खुदा के चमत्कारों को जो अनुभव किया है, प्रभु की आशीषों को जो मैंने और आपने हमारे जीवन में अनुभव किया है, लोग माने या ना माने, लोग विश्वास करे या ना करे, लेकिन मेरा और आपका काम है उनको जाके बताना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका काम है उनको जाके बताना, यस, वो जिंदा खुदा है, वो जीवित हुआ है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और आपकी मरी हुई आशाओं को वो क्या कर सकता है? जिंदा कर सकता है।
हालेलुया। आप जिस बात में उम्मीद छोड़ दिए हैं, ये बात मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता, यस, वो खुदा जो आपने आशा छोड़ दिया है, उस आशाहीन बातों को भी वो खुदा क्या कर सकता है, वो आशा में बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आशा नहीं थी, लेकिन मरियम गई, मरियम ने खुदा के द्वारा एक नई आशा को प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के वचन में पढ़ते 8-10 में, पढ़िए उस वचन को। हाँ ना, हाँ दौड़ गई, हाँ हाँ दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने जाके बताने के बावजूद भी चेलों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, और बंद कमरे में यीशु मसीह उनके लिए क्या हुआ, प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है ना वहां पे, बंद कमरे में यीशु मसीह आया। प्रेज द लॉर्ड। चेलों को जाके मरियम ने और दूसरी मरियम ने जाके बताने के बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने चेलों को, जो डरे हुए थे, जो भयभीत होकर बैठे हुए थे, अब हमारा क्या होगा सोचकर बैठे हुए थे, उनके बीच में जाकर यीशु मसीह ने क्या किया, उनको दर्शन दिया। प्रेज द लॉर्ड। उनके बीच में खुदा प्रकट हुआ। हालेलुया। हो सकता है आज मैं और आप दूसरे लोगों को जाकर बताएंगे, चाहे वे माने या ना माने, विश्वास करें या ना विश्वास करें, लेकिन हो सकता है मेरे और आपके बताने के बाद खुदा उनके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट करे, परमेश्वर उनके जीवन में अपने अद्भुत काम को प्रकट करे, परमेश्वर उनके जीवन में जो खुदा उनके जीवन में करना चाहता है वो खुदा उनके जीवन में प्रकट करे, लेकिन वो तभी होगा जब मैं और आप जाके बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो भयभीत चेले, जो निराश होकर बैठे हुए थे, जो आशाहीन होकर बैठे थे, उन लोगों के मध्य में यीशु मसीह वहां पर आकर क्या हुए, प्रकट हुए करके हम खुदा के वचन में हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम भयभीत हैं, यदि हम आशाहीन हैं, हमारे लिए वो प्रभु आज भी वो प्रकट हो सकता है, वो खुदा आज भी हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। फर्स्ट हमने देखा खुदा का मिराकल, सेकंड हमने देखा खुदा का मैसेज, और तीसरा हमने देखा खुदा का मैनिफेस्टेशन, प्रकट होना, और चौथी बात हम देखते हैं ये शैतान के द्वारा हुआ। जहां खुदा का काम होता है वहां शैतान का भी काम होता है। जब परमेश्वर का काम बढ़ने लगता है, शैतान उसके अंदर क्या करने लगता है, काम करने लगता है। इवन यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को खत्म करने के बाद भी, उस मृत्यु को पर जय विजय, विजय को प्राप्त करने के बाद भी, यीशु मसीह जी उठा है करके लोगों को मालूम होने के बावजूद भी शैतान ने लोगों के मन में काम किया। क्या काम किया, आप खुदा के वचन में पढ़िए 11-15 तक। यस, हाँ कहा, सुनाया। वैसे ही कहा, क्या किया गया, यीशु मसीह जी उठा, और वहां पर जो पहरेदार थे, जो सिपाही थे, उन्होंने देखा एक भूकंप हो गया, वो पत्थर लुढ़का गया, और यीशु मसीह का वहां पर शरीर नहीं था, यीशु मसीह के केवल कपड़े वहां पर थे, और वो उन्होंने वो अद्भुत काम देखा, और ये सारा हाल उन्होंने जाके किसको बताया, वहां के अधिकारियों को बताया, शास्त्रियों को बताया, वहां के जो फरीसी थे उनको बताया, महायाजकों को बताया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इस बात को यहीं पे तुम क्या करना, दफना देना, है ना। उनको चांदी देकर उन्होंने कहा यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके चेले आकर उसको क्या किए, चुरा ले गए, और अभी बोल रहे हैं वो जी उठा है। मिस इंफॉर्मेशन, क्या है, मिस इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने देखा खुदा का मिराकल, खुदा का मैसेज, खुदा का मैनिफेस्टेशन, लेकिन अभी हम यहां चौथी बात हम देख रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन। उन्होंने गलत, यीशु मसीह नहीं जी उठाए करके गलत इंफॉर्मेशन
फैलाया, किसने? ये शैतान का काम था। आज भी कई लोगों के मन में यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। आज भी कई लोग, कई अगर हम आप अगर ईश्वर अध्ययन, ईश्वर विज्ञान का अध्ययन यदि आप करने के लिए जाएंगे, थियोलॉजी अगर पढ़ने के लिए जाएंगे, थियोलॉजी में ऐसे कई थियोरियाँ हैं जो इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह जी नहीं उठा करके, यीशु मसीह नहीं जी उठाए करके, जो जिस प्रकार यहाँ पर महायाजकों ने बोला, उनको चांदी देकर सिपाहियों को बोला गया कि तुम इस प्रकार कहना कि हम उस समय सो रहे थे, तब यीशु मसीह के चेले आकर क्या किए, उसको उठा लिए गए। लेकिन खुदा के वचन में साफ साफ लिखा है, जब यीशु मसीह कब्र पर मरे और उनको कब्र में रखा गया था, उनके चेले यहूदियों के डर से, महायाजकों के डर से, वे एक बंद कमरे में क्या हुए थे, छिपे हुए थे। अगर उनको इतना हिम्मत था, इतना धैर्य था कि वे कब्र में जाकर यीशु मसीह के शव को चुरा ले, तो वो क्यों एक बंद कमरे में रहते थे, है ना? लेकिन वहां पे गलत उपदेश फैलाया गया, गलत संदेश फैलाया गया, यीशु मसीह नहीं जी उठे, उनके शरीर को क्या किया गया, चुरा लिया गया। लेकिन खुदा के वचन में हम देखते हैं ये यही तक सीमित नहीं रहा। यीशु मसीह ने केवल चेलों को दर्शन नहीं दिया, उसके बाद हम गलील में जाने के बाद उस जैतून पहाड़ पर खुदा के वचन में हम देखते हैं 500 से भी अधिक लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और उन सबको यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और यीशु मसीह ने दर्शन देकर उन्हीं लोगों के मध्य में, वो सारे लोग यीशु मसीह को देख रहे थे, उनके देखते देखते यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए करके हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे प्रभु उठा लिए गए, वैसे ही प्रभु ने कहा, उसके दूतों ने कहा कि जैसे तुम यीशु मसीह को अभी ऊपर जाते हुए, स्वर्ग की ओर जाते हुए देखते हो, वैसे ही यीशु मसीह एक दिन उस स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। उन बादलों पर आएगा, उन बादलों पर आकर जो कलीसिया उस खुदा के लिए सिद्ध है, जो कलीसिया उस प्रभु के साथ जाने के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी को तैयार किया है, अपने जीवन को तैयार किया है, अपने जीवन को उस प्रभु के हाथों में समर्पित किया है, उस खुदा के लिए एक पवित्र जिंदगी बिता रहे हैं, उस कलीसिया को ले जाने के लिए वो प्रभु बादलों पर क्या होने वाला है, आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शैतान चाहे कितना भी कोशिश करे परमेश्वर के वचन को गलत साबित करने के लिए, परमेश्वर के वचन का खंडन करने के लिए, या परमेश्वर के जो सच्चाई को झूठा करके साबित करने के लिए वो कितना भी कोशिश करे, परमेश्वर का वचन रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन जीवित है, और हमारा खुदा सचमुच वो जी उठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात हम खुदा के वचन में देखते हैं, मैंडेट, महान आदेश, जो 16 का 20 से लेकर हम पढ़ने के समय वहां पे लिखा गया है। आप पढ़िए मत्ती रचित समाचार उसका 28, उसका 16 से लेकर 20 तक। हाँ जी, यीशु मसीह जी उठने के बाद लोगों को दर्शन दिया, लोगों से बात किया, उसके बाद भी किसी किसी को क्या हुआ, संदेह हुआ। आज भी ऐसे कई लोग हैं, प्रभु के चमत्कारों को देखते हैं, खुदा के सामर्थ्य को देखते हैं, परमेश्वर के अद्भुत बातों को अनुभव करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं संदेह रहते हैं, क्या मरने के बाद सचमुच जी उठेंगे क्या, क्या मरने के बाद सचमुच जी उठने के बाद न्याय होगा क्या, ये सब बातें सही है क्या, है ना? फिर भी कई लोगों के मन में क्या है, डाउट है। यीशु मसीह जी उठने के बाद, उनको देखने के बाद, आंखों से देखने के बाद भी कई लोगों को क्या था, संदेह था। तो हम तो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, है ना? हम तो बिना देखे, वहां पर लोगों ने देखा, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में संदेहता करके लिखा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाकर, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर क्या करना, उस सुसमाचार को बताना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पांच बातें हमने खुदा के वचन में देखा। फर्स्ट मिरेकल, जो पत्थर रखा हुआ था वो लुढ़क गया था और कब्र खाली थी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हमने देखा, मरियम को ये बोला गया, जो तुमने देखा है उसको जाके तुम लोगों को बताओ, मैसेज, संदेश दो। तीसरी बात हमने देखा, मैनिफेस्टेशन, जो बंद कमरे में जो चेले थे उनके बीच में यीशु मसीह क्या हो गया, प्रकट हो गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहां पे मिस इंफॉर्मेशन था, गलत
मैसेज लोगों तक पहुंचाया गया कि यीशु मसीह के शव को चेलों ने क्या किया, छुड़ा लिया गया। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने गलील में सारे लोगों के बीच में प्रभु ने क्या किया, दर्शन दिया, और सबको देखते प्रभु ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह का जी उठना हमारी मसीहत का क्या है, एक मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिजरेक्शन इज द क्राउन फॉर क्रिश्चियनिटी। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सारे धर्मों में केवल मनुष्य के जीवन के अंत तक बताया गया, लेकिन मनुष्य की मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में और कोई नहीं बताता है, लेकिन केवल हमारा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया, केवल हमारा पवित्र शास्त्र बताता है कि मनुष्य मरने के बाद भी एक जिंदगी है। कई लोग इस जीवन के लिए प्रयत्न करते हैं, अगर हम केवल इसी पृथ्वी पर की जिंदगी की आशा रखते हैं तो हमारे जैसा अभागा मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, कभी भी अभागा मनुष्य बनने की कोशिश नहीं करना, पृथ्वी की जिंदगी के लिए प्रयत्न करते नहीं रहना। इस जिंदगी के बाद एक और एक जिंदगी है जो हमेशा का जिंदगी है, उस जिंदगी के लिए प्रयत्न करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर रहने के समय अपने जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इस जीवन में सभी बातों को प्राप्त करने के लिए केवल मसीह पर आशा रखते हैं तो हमारे जैसा अभागा मनुष्य और कोई नहीं, करके खुदा का वचन कहता है, यहां का जिंदगी कैसा भी होने दो, मुसीबत आने दो, बीमारी आने दो, तकलीफ आने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन मुझे वहां की जिंदगी को प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं यहां से बीमारी से मरूं, तकलीफ से मरूं, पीड़ा से मरूं, कोई बात नहीं, यहां से मरने के बाद मुझे कहां जाना है, वो स्वर्ग को प्राप्त करना है। हालेलुया, उस खुदा के द्वारा जो अनंतकालिक जीवन मेरे और आपके जीवन में मिलने वाला है, उसके लिए हम प्रयास करें। हालेलुया, उसके लिए हम प्रयत्न करें। हालेलुया, उसके लिए हम अपनी जिंदगी को प्रिपेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदगी को यदि हमने प्राप्त नहीं किया, हमारा पृथ्वी का सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रियो, हालेलुया, ये परिश्रम व्यर्थ नहीं होना है, इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, मुर्दों में से जी उठकर उस खुदाबंद ने मुझे और आपको एक जीवित आशा दी है। हालेलुया, एक जीवित आशा दी है। ये मरणहार शरीर उस मिट्टी में मिल जाएगा, कोई बात नहीं, जब प्रभु आएगा एक महिमा में शरीर मैं और आप प्राप्त करेंगे। उस महिमा में शरीर को प्राप्त करने के बाद कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। वो स्वर्ग में हम खुदा के लोगों के साथ हमें के लिए हम क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया, क्या उसके लिए हम अपनी जिंदगी को क्या हम तैयार करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है उस जिंदगी के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्बा फादर, वी थैंक यू एंड प्रेज यू मास्टर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बात किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बोया गया है प्रभु, आने वाले दिनों में इसका 100 गुना प्रतिफल मिलने पाए। उस जिंदगी के लिए परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करने पाए। आपने जितनी भी आयु हमें दिया है, वो आयु खत्म होने से पहले हमारा जीवन प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने पाए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमसे बात करने के लिए। सबको आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।